करता का ये आरोप था कि जो फूड एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने व अन्य कई व्यक्तियों ने मिली भक्ति से फेक जो जाली बीपीएल कार्ड हैं वो तैयार करके और उनसे राशन आरोप क्या है इन वितरण। पे? आरोप यही है कि इन्होंने जो बीपीएल कार्ड हैं ये अपना फर्जी तैयार किए हैं और उनसे राशन का वितरण किया कितने है। लगभग कार्ड तैयार किए सर? 110 के करीब की उन्होंने रिपोर्ट दी है और बाकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कोई और भी इसमें कुछ और हमें किन प्रूफ किन मिले। धाराओं के तहत हुआ पर्चा ये दर्ज? 420, 467, 468, 471 कौन कौन है, क्या क्या नाम है इनके? देखिए उन्होंने अपने एक इंस्पेक्टर हैं डिपार्टमेंट के देवेंद्र मानन के खिलाफ ये FIR लॉन्च करवाई है, प्लस विकास कुमार हैं जो डिपो होल्डर हैं, प्लस उनके ब्रदर या लाइसेंस होल्डर हैं जो उनके नॉमिनी के खिलाफ भी है। इंदिरा कॉलोनी के हैं रहने वाले। ये जो डिपो है वो इंदिरा एक कॉलोनी तरफ तो आज रिश्वतखोर डीटीपी को गिरफ्तार किया जाता है, वहीं अगर बात करें करनाल का खाद्य पूर्ति विभाग हमेशा से विवादों में सुर्खियों में रहा है, लेकिन आज तक उस विभाग के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लेकिन आज एक और मामला दर्ज होता है, जी हाँ, खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र मान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देखना ही होगा कि पहले के मामलों की तरह क्या इस मामले में भी कोई ढीली कार्रवाई होती है या इस मामले में निश्चित तौर पर ईमानदारी से पूरी जांच होती है। हालांकि यह मामला जो है सेक्टर 32-37 थाने में दर्ज हुआ है और इंस्पेक्टर खाद्य पूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं देवेंद्र मान, उन पर यह आरोप है कि कई फर्जी बीपीएल कार्ड बनाए हुए थे और उन आधार पर गरीबों को दिए जाने वाला राशन जो है खुद डकार रहे थे, डिपो होल्डर के साथ मिलकर डकार रहे थे। ये पहले इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि करनाल में ऐसे बहुत से इंस्पेक्टर हैं जो अब AFSO या उससे सीनियर प्रमोट हो चुके हैं और किस तरह से सालों से करनाल में टिके हुए हैं, जिन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जरूरत है ऐसे अधिकारियों पर भी विजिलेंस की इंक्वायरी बैठना, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होना कि आखिरकार इनके पास पैसा कहां से आया है। और इस समय जो इंस्पेक्टर है सेक्टर 32 थाना के इंस्पेक्टर गोविंदर जी वो हमारे साथ मौजूद है। सर क्या बताना चाहेंगे, खाद्य पूर्ति विभाग के एक इंस्पेक्टर के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और कौन कौन लोग हैं और क्या कुछ आरोप है इनके ऊपर? देखिए हमारे पास AFSO साहब जो हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई थी, उनको किसी ने कंप्लेंट की थी और उन्होंने जांच के बाद हमें वो कंप्लेंट FIR लॉन्च करने के लिए भेजी थी, जिसमें आरोप था, शिकायतकर्ता का ये आरोप था कि जो फूड एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने व अन्य कई व्यक्तियों ने मिली भक्ति से फेक जो जाली BPL कार्ड हैं वो तैयार करके और उनसे राशन वितरण किया है, तो जिसकी जांच उनके कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है की गई और जांच के उपरांत उन्होंने हमारे पास AFSO साहब ने FIR लॉन्च करने के लिए भेजा था, हमने उसके संदर्भ में केस रजिस्टर कौन कर कौन दिया। है, क्या क्या नाम है इनके? देखिए उन्होंने अपने एक इंस्पेक्टर हैं डिपार्टमेंट के देवेंद्र मानन के खिलाफ ये FIR लॉन्च करवाई है, प्लस विकास कुमार हैं जो डिपो होल्डर हैं, प्लस उनके ब्रदर या लाइसेंस होल्डर हैं जो उनके नॉमिनी के खिलाफ भी है। इंदिरा कॉलोनी के हैं रहने वाले। ये जो डिपो है वो इंदिरा कॉलोनी का है। और आरोप क्या है इन पे? आरोप यही है कि इन्होंने जो BPL कार्ड हैं ये अपना फर्जी तैयार किए हैं और उनसे राशन का वितरण किया है। कितने लगभग कार्ड तैयार किए सर? 110 के करीब की उन्होंने रिपोर्ट दी है और बाकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कोई और भी इसमें कुछ और हमें किन प्रूफ किन मिले। धाराओं के तहत हुआ पर्चा ये दर्ज? 420, 467, 468, 471 शिकायतकर्ता इसमें से कौन है? AFSO साहब क्या हैं, नाम है? उनका नाम है रविंदर कुमार जी। AFSO रविंदर के जो है शिकायतकर्ता पर, शिकायत पर जो है एक पर्चा जरूर दर्ज होता है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिनका नाम देवेंद्र मान है। पहले भी हमने आपको बताया कि खाद्य पूर्ति विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के संज्ञान में मामला है और महकमा भी खुद दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास है। देखने वाली बात होगी कि खाद्य पूर्ति विभाग के बहुत से अधिकारियों पर जिन पर पहले मामले दर्ज हुए हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया था कि किस तरह से एक चौकीदार द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है और किस तरह से उस मामले में भी विभाग के दो बड़े अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और जिस तरह से सेक्टर 32 थाना के SHO ने बताया कि एक खाद्य पूर्ति विभाग के AFSO लेवल के अधिकारी की शिकायत पर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी यह देखने वाली बात रहेगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा करनाल ब्रेकिंग न्यूज। करप्शन के मामले बढ़ रहे हैं, जी हाँ करप्शन के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह ही हमने आपको दिखाया कि एक DTP लेवल का अधिकारी विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिरकार क्या है,
किसको शय है खाद्य आपूर्ति विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों पर? क्यों आखिरकार पर्चे दर्ज होने के बाद भी, सस्पेंशन होने के बाद भी किसी भी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी पर, एफएसओ पर, डीएफएससी पर कार्रवाई नहीं होती है? यह सवाल अपने में बड़ा गंभीर है। हालांकि इस समय मौजूद है करनाल के सेक्टर 32-33 थाना में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से एक खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज होता है और आरोप यह है कि किस तरह से गरीबों को दिया जाने वाला राशन यानी कि डकार दिया जाता है, क्योंकि सालों से ऐसे इंस्पेक्टर जो है इसी तरह से काम कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के बहुत से अधिकारी हैं जिन्होंने करनाल में ही बंगले बना लिए हैं। कैसे बनाए हैं? फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर, 150-150 हजार फर्जी बीपीएल कार्ड बना लिए जाते हैं और उनको दिए जाने वाला जो सालाना राशन होता है, महीने का राशन होता है, वो डकार दिया जाता है, डिपो होल्डर उसको ब्लैक में बेचता है। इसी तरह की शिकायत मिली थी करनाल के खाद्य आपूर्ति विभाग के एक एएफएसओ की तरफ से सेक्टर 32 थाना में, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक इंस्पेक्टर देवेंद्र मान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस समय बीजेपी से युवा नेता हमारे साथ मौजूद है और स्थानीय पार्षद भी है, पार्षद प्रतिनिधि है भूपेंद्र नोत्रा जी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके महकमों, आपके वार्ड के भी जो है बहुत मामले सामने आए डिपो होल्डर्स के, बहुत गड़बड़ियां होती है। आज एक मामला दर्ज होता है खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर किस तरह से गरीबों को जो बांटे जाने वाला राशन होता है उसको डकारते हैं, फर्जी बीपीएल कार्ड बना दिए जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पे? देखिए, ये गरीब जनता का राशन है और गरीब जनता तक ये राशन पहुँचना चाहिए और जिस प्रकार से एक ये मुहिम छिड़ी है, एक जैसे पकड़ा गया है देवेंद्र मान जिसका नाम बता रहे हैं इंस्पेक्टर जो है, तो इनके खिलाफ बिल्कुल पूरी कार्रवाई होगी। और ये लोग क्या करते हैं, अमीरों को राशन देते हैं, गरीब वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा और ख़ुद भी जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं इस बारे में बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि एक बार सर्वे करवाया जाए जिनको राशन मिल रहा है वो सही भी है कि नहीं है, और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर हैं वो दो पैसे लेके उनका राशन भी बेचते हैं और उसके बाद में उस पैसे का भी गलत इस्तेमाल करते हैं और सही जगह तक वो राशन नहीं पहुँच पाता। नोत्रा जी, सवाल बड़ा गंभीर है। आप खुद बीजेपी पार्टी से हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के 85 घोटाले हमने दिखाए हैं पिछले कई सालों में। आपको याद होगा आटा घोटाला है, धान घोटाला है, गेहूं घोटाला है, कई तरह के और घोटाले हैं। कई अधिकारियां किस तरह से पानी छिड़कते हुए पाए जाते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन फिर सीजन आते ही उनको जो है ड्यूटी दे दी जाती है, फिर वो घोटाला कर जाते हैं और अब पर्चा दर्ज हुआ है ऐसे कई अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? ये सवाल क्या मुख्यमंत्री से पूछेंगे? कई बार हमने भी उनसे सवाल पूछा है लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून कोई काम नहीं करता है और वो अधिकारी धरले से इसी तरह से जो है ब्लैकमेलिंग करते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री से जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे हम कि भाई हर बार ऐसा क्यों, क्या होता है कि हम मतलब महकमा उनको, पुलिस उनको पकड़ती है या फिर मीडिया उनको पकड़ती है जाके और वो कैसे छूट जाते हैं। तो मैं उनसे बिल्कुल बात करूंगा कि ऐसा कौन सा ऊपर का अधिकारी इनसे मिला हुआ है जो इनको बचाने के काम करता है। तो कोई ना कोई तो देखो डिपार्टमेंटली सारा कुछ है, हर चीज़ तो नेताओं के ऊपर थोपनी भी गलत है। ये नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इससे बहुत ज़्यादा होता था, अब बहुत कम है, लेकिन जितना है उतना भी नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को भी बिल्कुल हम रोकेंगे। नोत्रा जी, एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। डीटीपी विक्रम, आपको याद होगा अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाने वाले, बीजेपी के तो पार्षदों ने मुख्यमंत्री को उसकी शिकायत कर दी थी कि उसका तबादला हो, लेकिन उसके बावजूद भी हिले नहीं थे वो, टस से मस नहीं हुए थे यहाँ से। आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, डीटीपी विक्रम लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए स्टेट विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार हुए हैं, इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल हमने, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें पब्लिक के बारे में पता होता है और पब्लिक के मन में क्या चल रहा है वो भी पता होता है। कौन वहाँ पे चंडीगढ़ में बैठ के उनको माइंड वॉश करता है हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो वो तो मैं नहीं कह सकता। तो हम तो पहले से आवाज़ उठाते आ रहे थे कि भाई ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को करनाल में जाकर पूरे करनाल हरियाणा के अंदर कहीं भी नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। तो मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा हमारी सरकार से भी और कहूंगा कि भाई जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सलाह जरूर लें और जो ऐसे अधिकारी हैं उन लोगों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और बिल्कुल उनको घर बिठा देना चाहिए या फिर उनको खुद डेलाइन लगा देना चाहिए। तो बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं सवाल बड़ा गंभीर है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के इन तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को आखिरकार किसकी शय है? पर्चे दर्ज हो जाते हैं, सस्पेंशन हो जाती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या पिछले दिनों हुए मामला जो दर्ज था खाद्य आपूर्ति विभाग के दो बड़े अधिकारियों पर, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी या अब इस मामले में जो एक पर्चा दर्ज हुआ है खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पर, क्या अब इस पर कार्रवाई होगी? क्योंकि कहा जाता है कि रिकवरी उन्हीं अधिकारियों से की जाएगी, उनकी जमीन कुर्क की जाएगी,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट चाहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे, तो इनकी प्रॉपर्टी की जांच करवा सकता है कि कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है पिछले कुछ दिनों के दौरान, कुछ सालों के दौरान। तो निश्चित तौर पर हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि गरीबों का राशन डकारने वाले खाद्य आपूर्ति विभाग के जो ये डकैत है, जो ये चोर है, जो अधिकारी बनकर बैठे हैं, जो गरीबों का राशन डकारते हैं, इनके खिलाफ सबसे बड़ी जरूरी बात है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। मैं ये कहूंगा कि मैंने कई बार पहले भी, देखो मुख्यमंत्री जी आए थे उस टाइम भी शिकायत की थी, डीटीपी के बारे में पहले भी बताया था। और जिस टाइम पे आपने देखा होगा बलविंदर जी को जब अंदर किया था, उस टाइम भी हमने पूरा सक्रिय काम किया था। तो उस टाइम भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप विक्रम जी के बारे में आप जानिए, वहाँ पर जाके मेरे वार्ड में देखिए, कम से कम 4-5 कॉलोनियाँ कट रही है। वो किस किस शय पर कट रही है, क्यों वो कट रही है, जब हम कह रहे हैं कि नहीं कटनी चाहिए। अभी जहाँ जो कॉलोनियाँ बनी हुई है, जिनके अंदर मकान बने हुए हैं, हम वहाँ तक पूरी सुविधा मुहैया नहीं करा पाए, हम सबको अप्रूव्ड नहीं करा पाए। ये नई नई कॉलोनियाँ रोज़ कटेंगी, रोज़ हमारे पास में डिमांड आएंगी कि भाई इन कॉलोनियों के अंदर भी सुविधा होनी चाहिए, इन कॉलोनियों के अंदर भी सीवरेज होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी कट गई हैं उनको बसाने का हम काम करें, उससे आगे हम कॉलोनियाँ ना कटने दें। जो आज बिल्कुल साफ सपट वहाँ पर ज़मीन है, आज हम कार्रवाई कर देंगे तो कोई गरीब आदमी वहाँ नहीं फंसेगा। धीरे धीरे वहाँ लोग, गरीब आदमी वहाँ मकान बना लेंगे, कोठियाँ बना लेंगे, बाद में प्रशासन हमारा जागेगा और जाके उसके बाद में उन लोगों के मकान तोड़े जाएंगे। मेरी प्रशासन से, मेरी सरकार से बस यही निवेदन है, मेरा यही निवेदन है कि जो ज़मीन अभी बिल्कुल खाली पड़ी है उस ज़मीन पर जाके कार्रवाई करें, जो गलियाँ बनी हैं उन गलियों को तोड़ा जाए, बल्कि ना कि गरीब आदमियों के मकानों को तोड़ने की बजाय। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे ऐसे अधिकारियों से हमें, सरकार को हमें भी बचने की जरूरत है और सरकार